हेलो स्टूडेंट्स भाई, एवरेज के बारे में बात करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, सबसे पहले एवरेज के बारे में बता देना चाह रहा हूँ कि यानी कि एवरेज मतलब यानी कि औसत, यानी कि किसी भी चीज़ का माध्य, यानी कि कोई भी बीच की चीज़ जो किसी चीज़ को बैलेंस करें। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर मैं अपने हाफ फाइव फिंगर्स की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो उसमें जो मेरी मिडल वाली उंगली है, फिंगर है, वो क्या है, ये इन सभी पांचों उंगलियों का क्या है, औसत है, यानी कि एवरेज, जो इसको बैलेंस करें, यानी कि दो इधर दो इधर बैलेंस करिए, अगर साथ होता तो चार, तीन इधर एक बीच में रहता, तो यही डेफिनेशन जो है ये है आपका माध्य, यानी कि एक तरीके से एवरेज, यानी कि सभी का मीडियन। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्जाम जो 28/4/2013 में हुआ, उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पर हम डिस्कशंस करेंगे भाई। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मगन और छगन की औसत आयु, औसत उम्र अभी से 5 साल के बाद 20 वर्ष होगी, यानी कि दो कैंडिडेट हैं बच्चों। ठीक है, और इन्होंने फ्यूचर वैल्यू दे दी, 5 साल के बाद 20 वर्ष होगी, तो छगन और मगन दो हैं तो दो की होगी कितनी, टोटल एज होगी 40, लेकिन ये क्या है, आज से 5 साल बाद, तो अगर मैं पीछे लाऊंगा तो 5 साल मगन के कम होंगे और 5 साल छगन के कम होंगे, तो 10 कम हुए तो कितना बना, 30, यानी कि आज के टाइम पे जो प्रेजेंट एज है मगन और छगन की वो कितनी है, 30 है। मगन जो है 12 साल का है, इसमें से 12 घटा दे तो किसकी आ गई, ये मगन की आ गई 12, छगन की आ गई 18, तो दोनों की औसत आयु पूछ रहे हैं, दोनों की औसत आयु बच्चों कितनी को जोड़ दो, दो से भाग कर दो तो कितना, 30/2 यानी कि 15 आ गई, कितनी आ गई उनकी औसत आयु, 15 वर्ष भाई। ठीक है, कह रहे कि 20 संख्याओं की एक श्रेणी का जो औसत है वो 50 है भाई, तो कितना हो गया, 20 × 50 ये बना हमारा 1000। श्रेणी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर दे दिया उन्होंने 76, मान लो छोटी और बड़ी जो संख्या है दो उनका अंतर दे दिया 76, और कह रहा है कि सबसे बड़ी और छोटी श्रेणी को हटा दिया जाए, दो संख्याएं हटा दी भाई, छोटी हटा दी और बड़ी हटा दी, तो इनका औसत 48 हो जाता है, तो यानी कि 18 संख्याओं का जो औसत बना वो बना 48, ये जरा 48 की 18 मैंने गुणा करी भाई तो बना हमारा 864। अगर मैं 20 में से 18 को घटा दूं, कितना बच्चों, 18 को घटा दूं तो मेरे पास वो दो संख्याओं का सम आ जाएगा, तो कितना बना बच्चों ये 136, इनका योग आ गया 136 और अंतर है कितना 76, तो दोनों को जोड़ा तो सबसे छोटी संख्या वो पूछ रहे हैं, इस बी से बी कटा हमारा, तो 2a = कितना आया अभी बच्चों, वैसे हमें छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, दोनों इक्वेशंस को घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, ए से ए कटा तो 2b = आया हमारा 60, तो b = आ गया कितना 30, b = आ गया 30, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी आई भाई, 30 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या आई भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक को अपनी ये यात्रा समाप्त करने में अभी 120 किलोमीटर दूरी तय करनी है, यानी कि अभी से 120 किलोमीटर और चलना है भाई। ठीक है, अब तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने 3 घंटा गाड़ी चलाई, जब 60 की स्पीड से 3 घंटा गाड़ी चलाए तो वो कितना चल चुका, 180 चल चुका है, पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में उसको शेष दूरी कितने समय में पूरी करनी होगी। अब एक बात देखिए जरा,
ये भी 180 पहले चला, 120 अब चला, और पूरी पे चलना है उसे 50। तो ये आ गया 300/50, तो 5 6 30, 6 घंटे में उसको कवर करनी है। 3 घंटे चल चुका, तो 3 घंटे में और 120 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी भाई, समझ पाए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये DSSB प्राइमरी टीचर एग्जाम जो हमारा 2 फरवरी 2014 को हुआ, उसमें आया हुआ क्वेश्चन भाई। चलिए, कह रहे कि एक व्यक्ति पी से क्यू 20 की स्पीड से जाता है, और क्यू से पी 30 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, तो कुल यात्रा की औसत गति बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूला है, 2PQ/P+Q, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो यह हमारा 2 × 20 × 30 बटा 50। ये आ गया 2 × 2 × 3 × 2, ये आ गया हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है भाई, चलिए। कह रहे हैं कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी की औसत आयु में 0.8 माह से वृद्धि हो जाती है जब 6 साल की उम्र के लड़के नए साल की उम्र में बदल दिया जाता है। ठीक है भाई, क्या हुआ कि 10 छात्रों की औसत आयु मान लो एक्स थी 6 साल, और वृद्धि कब हुई, जब 6 साल की उम्र के लड़के, जे 6 साल की उम्र का लड़का गया और उसकी जगह पर एक नया लड़का आ गया, जिससे कि औसत में इतनी वृद्धि हुई 4.8 माह की। उसको साल में चेंज करने के लिए कितना करा, 12 से डिवाइड किया, तो 12 चौक 48, ये आ गया 0.4, ये आ गया 10x × 4। ठीक है, ये आ गया 10x − 6 + a, 10x से 10x कटा तो a बराबर आया 10 साल। कितना आया भाई, ये 10 साल। तो नए लड़के की आयु कितनी है भाई, 10 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये DSSB ग्रेड सेकंड डास टायर वन में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है भाई, देखिए जरा। कह रही कि P के पास Q से दुगनी राशि है भाई, P के पास Q से दुगनी राशि है, तो P अनुपात Q बराबर 2:1, और Q के पास R से 150% अधिक, 150 हो गया, तो 3/2, तो Q अनुपात R आ गया 3/2, तो Q और R आया हमारा 3/2। तो यह है हमारा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 2, PQR। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि यदि सभी को मिलाकर औसत राशि बनी 110, तीन कैंडिडेट है, औसत बनी 110, तो 3 की गुणा करिए 110 में, तो कितना बन गया भाई, 330। यार ये बना हमारा कितना, 11, कितने गुना, 30 गुना। तो पी के पास पूछ रहे, तो पी के पास कितनी, 18 पास 180 रुपये की जो है वो धनराशि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DSSB फायर ऑपरेटर एग्जाम हेल्ड ऑन 31/8/2014। कह रहे हैं कि वो एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष थी। औसत आयु कितनी है भाई, 13 वर्ष है। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि जब एक नया छात्र शामिल हो जाता है तो उनकी औसत उम्र 13.1, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 0.1 इंक्रीज हुआ भाई, कितना, 0.1। देखिए जरा, ये हो गया हमारा, जब एक नया छात्र शामिल हो जाता है उनकी उम्र 13.1 हो जाती है, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि 29 छात्र हैं, उनकी उम्र 13 है। ठीक है, जब एक नया स्टूडेंट ऐड हो गया
तो बच्चे कितने हो गए भाई, 30 हो गए, और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 13.1 है, ठीक है। 30 पॉइंट से 0 कटी ये, तो 13 3 39 और 3 1 3, और ये बना हमारा बच्चों 77। तो नए छात्र की उम्र वो पूछ रहे हैं, तो 393 माइनस 377 आ गया 16 साल का। कितने साल का था वो, 16 साल का, ठीक है भाई। मीडियन सब निकालना है हमें इसका, तो देखिए जरा इसको पहले सही से अरेंज कर लेते हैं। ये आया हमारा 5 11 12 13 14 15 16 और ये 23। तो देखिए जरा, 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, तो ये इसका क्या हुआ, मीडियन आया भाई। क्या ये इसका मीडियन आया। चलिए, करेगी राजू 40 किलोमीटर ए से बी जाता है, और बी से ए आता है 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2AB/A+B। ये देखिए 2 × 40 × 50, तो 40 + 50 आ गया हमारा 200 2000, और ये आया हमारा 90। तो बच्चों देखिए जरा, ये आ गया हमारा वाले सही 4/9 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी स्पीड आई भाई, ठीक है। ये DSSSB कांस्टेबल के मेल क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं अभी। चलिए, हमें इनका मीडियन निकालना है, तो देखिए जरा, तो चार इधर चार इधर जो औसत आया, मीडियन आया वो माध्यिका कितनी आई, वो 4 आई भाई, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पी से क्यू 40 की स्पीड से जाता है और आते वक्त 60 की स्पीड से, तो पूरे सफर की एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो 2PQ/P+Q भाई, 2 × 40 × 60, 40 + 60 ये हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड आ गई भाई, ठीक है। चलिए, ये DSSSB ग्रेड सेकंड टायर टू एग्जाम जो 29/3/2015 में हुआ, कह रहे हैं कि 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया, उसके जहाँ पर एक नया लड़का आया, तो 50 लड़कों की कक्षा का जो औसत वजन है वो इतना बढ़ गया, ठीक है भाई। भाई 50 का आज लड़का गया था, नया लड़का आया है, औसत बढ़ गया कितना, 50 का 1/10, तो ये 5 आया, तो ए बराबर आ गया भाई हमारा 55 किलोग्राम। कितना आ गया भाई, 55 किलोग्राम ये उसका औसत आ गया भाई। चलिए, ये DSSSB स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भाई, कह रहा कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, 16 6 में, यदि प्रत्येक में दो दो जोड़े जाए, जब दो दो जोड़े तो संख्याओं में कितने जुड़ गए, 6 के हिसाब से 12 जुड़ गए, तो जब 12 जुड़ गए तो कितना हो गया, ये तो 8। तो क्या पूछ रहे हैं, तो नया औसत बताइए, तो नया के औसत कितना हुआ, 6 कम 6 6 48, नया औसत हो गया हमारा 18 भाई, कितना 18। चलिए, ये DSSSB TGT PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भाई। चलिए, कह रहे कि ये 5 पर्यवेक्षक दिए हुए हैं और इनका माध्य है 11, तो अब एक चीज देख पा रहे हो सभी में दो दो का डिफरेंस,
कितने का? दो दो का डिफरेंस है, और जब दो दो का डिफरेंस है तो इनका माध्य कितना? एक्स प्लस फोर, और एक्स प्लस फोर बराबर दिया हुआ है 11, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 11 माइनस 4, तो ये आ गया हमारा कितना भाई? 7। कितना आ गया ये? 7। तो अंतिम तीन का वो माध्य पूछ रहे हैं, अंतिम तीन का माध्य पूछ रहे हैं, तो देखिए जरा। और अंतिम तीन कितना? एक्स प्लस चार 11 ना, एक्स प्लस चार ये कितना हुआ भाई? 11। एक्स प्लस 6 हो गया 7 और 6 13, एक्स प्लस 8 हो गए ये 15। इनका औसत पूछ रहे हैं तो दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया तो कितना आया? 13। ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DSSB ग्रेड सेकंड डास में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भाई। कह रहे कि P बराबर दे रखा है एक्स प्लस वाई के, P बराबर 10 दे दिया, और एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई है ही, और के दे दिया 3। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 10/3। औसत पूछ रहे हैं, औसत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 10/6, तो ये हो गया 5/3। एक्स वाई का एवरेज आया हमारा 5/3 भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड का जो औसत है वो 35 है, यानी कि तीन संख्याएं दे रखी हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35 × 3 बराबर आ गया हमारा 105। ही आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कह रहा है कि एक्स वाई से, एक्स औसत से जितना ज्यादा है वाई औसत से उतना ही कम है ना? एक्स जो है औसत से जितना ज्यादा है, वाई औसत से उतना ही ज्यादा कम है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 70 है ना। तो जेड की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो जेड 70 प्लस जेड बराबर 105। ठीक है, तो जेड बराबर 105 माइनस आ गया हमारा 35। कितना आंसर आया भैया? ठीक है, भी डास ग्रेड 4 के एग्जाम के क्वेश्चंस भाई, देखिए जरा। कह रहे कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना हो? 16 हो, तो बची 2 संख्याओं का औसत हमें पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 का औसत दे दिया इन्होंने 14 बार आया, और 6 का दे दिया 99, तो इसमें से इसको मैं घटा दूंगा भाई बच्चों, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 16। ये आया ए प्लस बी बराबर 16, दो संख्याएं थी ना, इनका औसत पूछ रहे, 2 से भाग किया तो आया हमारा 8, तो 2 संख्याओं का औसत आ गया भाई ये 8। चलिए ये DSSB ग्रेड 3 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भाई, देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से, शेष का आधा भाग बस से, और शेष भाग जो है 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो कुल यात्रा में औसत दूरी, औसत जो हमें बताना है कि औसत क्या होगा, औसत चाल हमें बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं एवरेज स्पीड में कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई, तो देखिए जरा, मान लो उसकी जो टोटल दूरी थी वो थी एक्स। ठीक है भाई, ये टोटल दूरी मान लो हमने उसकी एक्स मानी,
आधी दूरी तो उसने चली 60 की स्पीड से, और शेष का आधा चला 30 की स्पीड से, और शेष भाग यानी कि एक्स बटे 4 चला वो 10 की स्पीड से। एवरेज स्पीड वो पूछ रहे हैं, एक्सेस तो एक्स कट गया भैया हमारा, ये तो आया हमारा 1/120, 1/120 और 1/40, ये हमने निकाला। एलसीएम आया ऊपर 120, तो ये आया 1 + 1 = 3, तो ये आया 120/5, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 6 = 20, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी जो होगी वो भाई उसकी एवरेज स्पीड होगी भाई। ठीक है, अब देखिए जरा, 8 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक में 2 बढ़ाया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई 8 संख्याओं का औसत 16 है, आठ संख्याओं का औसत 16 यानी कि 128, और प्रत्येक में 2-2 बढ़ाए जाए थे यानी कि 8 × 2 = 16 और बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए भाई 16 और बढ़ा दिए, तो कितना आ गया ये 144 आ गया। तो नया औसत वो पूछ रहे हैं कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा भाई, 8 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा नया औसत हुआ हमारा। ठीक है,